हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर मीनाक्षी। मैं मीनाक्षी और फ्रेंड्स, आज मैं आपको कान्हा जी की ये ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए आपको नेट का कपड़ा, दो कलर का साटन रिबन, मोती, पेस्टिंग, टिश्यू रिबन, इन सब की जरूरत होगी। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ईजी वे में मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये पोशाक बनाना सीखना चाहते हैं तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ये ब्यूटीफुल पोशाक बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पोशाक को बनाने के लिए मैंने 10 इंच डायमीटर का ये बेस तैयार कर लिया है, क्योंकि ये पोशाक मैं 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने डायमीटर 10 इंच लिया है। और अगर आपके कान्हा जी का साइज ज़्यादा या कम है तो आप इस मेजरमेंट चार्ट में अपने कान्हा जी के साइज के अकॉर्डिंग डायमीटर चेक कर लें और बेस बनाकर तैयार कर लें। इस मेजरमेंट चार्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा पोशाक बनाने में। इसमें मैंने बॉडी की लेंथ और ब्रेथ भी दी हुई है। बेस बनाने के बाद जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊं वैसे वैसे आप करते जाएं, तो आप बहुत आसानी से इस पोशाक को बनाकर तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपसे बेस बनाना नहीं आता है तो बेस बनाने की सेपरेट वीडियो पहले से ही मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे जाकर चेक कर लें और बेस बनाना सीख लें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम पोशाक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पर कमर का निशान लगाएंगे। तो एक बार हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और यहां कॉर्नर वाली साइड हमें कमर का निशान लगाना है। अब मैं आपको सभी साइज के कान्हा जी के लिए कमर का नाप बताती हूँ, कितना नाप लेना होता है। जीरो और एक नंबर के लिए 0.4 इंच, दो और तीन नंबर के लिए 0.5 इंच, पांच और छह नंबर के लिए 0.7 इंच, सात और आठ नंबर के लिए 0.8 इंच, नौ और दस नंबर के लिए 1 इंच। तो इस तरीके से अगर आप कमर का निशान लगाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और कमर बिल्कुल फिट आएगी आपके कान्हा जी को। तो चलिए, हम यहाँ 4 नंबर के कान्हा जी की पोशाक बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं 0.6 इंच का। ये निशान इधर लगाया, एक निशान इधर लगाएंगे और अब इन दोनों निशानों को गोलाई करते हुए मिला देंगे आपस में। अब हमें इसी निशान पर कट कर लेना है। इस निशान पर कट करने के बाद हम इसको एक साइड से ओपन कर लेंगे। और कटिंग करने की वजह से ये खुल गया है, तो हम यहाँ पर स्टिचिंग करके इसको अटैच कर देंगे। तो हमें यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग कर लेनी है। चलिए कर लेते हैं, फिर बताते हैं क्या करना है। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए मैंने कुछ ये पीसेस बनाए हैं, ये मैंने नेट के कपड़े से बनाकर तैयार किए हैं। अब हम इनको बनाना सीखेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने नेट के कपड़े में से 3x3 का एक स्क्वायर पीस कट कर लिया। इसको एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो मैं पहले इसको सही कर लूंगी। एक बार ऐसे फोल्ड किया और एक बार ऐसे फोल्ड किया। यहां पर सुई धागे की हेल्प से स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बन गया है। अब हम इसको अपने बेस पर अटैच करेंगे। किस तरीके से करना है देखिए, यहां पर रखेंगे इसको कॉर्नर पर, यहाँ सिलाई लगा लेंगे, फिर इसके बराबर में रखेंगे, फिर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से रखते हुए हमें पूरे बेस पर इसे अटैच कर देना है। चलिए कर लेते हैं। ये एक राउंड पूरा करने के बाद अब हम इसी तरीके से एक और राउंड करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से इनको रखेंगे और पूरे राउंड में रखते हुए सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। इन्हें लगाने के बाद अब हम साटन का रिबन लेंगे, जिसकी चौड़ाई आधा इंच है, उसमें से हमें 3-3 इंच के पीस कट कर लेने हैं।
देखिए जिस तरह से मैंने ये पीस कट कर लिया है, दोनों साइड से इनको बर्न कर लेंगे और फिर इनको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से, पास पास लगाते चले जाएंगे, पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। चलिए कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। ये देखिए मैंने दो लाइन रेड कलर से बना ली हैं, अब हम दो लाइन ब्लू कलर से बनाएंगे। बिल्कुल सेम यही प्रोसेस चलेगा। ये मैंने पीसेस कट कर लिए हैं ब्लू कलर के और इन्हें बर्न भी कर लिया है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगाएंगे। देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, फिर आगे से लगाते चले जाएंगे। चलिए लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने ब्लू कलर के रिबन से दो राउंड कंप्लीट कर लिए। अब हम यहाँ पर नेफा लगा लेंगे। नेफा लगाना मैंने आपको काफ़ी वीडियोज में बता रखा है, उनमें से एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और नेफा लगाना सीख सकते हैं। चलिए हम इसमें नेफा लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ नेफा लगाने के बाद मैंने इसको मोती लगाकर डेकोरेट भी कर दिया है और ये बहुत प्यारी लग रही है। और इसके साथ में मैंने ये चोली बनाई है। ये चोली बनाना मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में सिखा रखा है, उनमें से एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखकर इस बॉडी को बनाना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पोशाक बनकर तैयार है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पोशाक और मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आए और आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग।